क्या आपका भी अपना शौचालय घर की उत्तर दिशा में है? क्या आपने भी भवन निर्माण करते समय इन बातों का ध्यान नहीं दिया है, जिससे आपके घर में, आपके परिवार में सुख समृद्धि में कमी है, परिवार का कोई सदस्य बीमार रहता है, या फिर धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है? क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या हो सकता है? तो आइए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से इन तमाम प्रकार की समस्याओं का जानकारी मिल सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि वास्तु एक ऐसी चीज है, अगर हम भवन का नवनिर्माण करते समय इसको अनदेखा करते हैं तो इसका कहीं ना कहीं सीधा असर हमारे जीवन पे पड़ता है, हमारे परिवार पे पड़ता है, जिसके फलस्वरूप परिवार में कोई ना कोई सदस्य अक्सर बीमार रहता है, जिसके फलस्वरूप कर्ज से व्यक्ति डूबने लगता है, या फिर अगर आपके तीन पुत्र हैं तो बीच का जो पुत्र है जिसे मझला पुत्र कहते हैं, वह पुत्र अक्सर जो है किसी न किसी रोगों से या कान या पेट के इन्फेक्शन से जो है पीड़ित रहता है। घर का जो बड़ा सदस्य है वह भी भय को उत्पन्न करने वाले रोगों से पीड़ित रहता है। इस प्रकार के तमाम समस्याओं को व्यक्ति जो है प्राप्त करता है, तो क्या इसका रीजन क्या है? तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार इस दोष से छुटकारा कैसे पाए और इस दोष से किन कारणों से यह दोष जो है उत्पन्न होता है या यह समस्या उत्पन्न होता है। वास्तु का हमने पूर्व में बताया कि वास्तु का सीधा असर हमारे जीवन काल में पड़ता है। कई बार हम भवन आदि का नवनिर्माण करते हैं तो इन सब चीजों का देखा करने के कारण घर में, परिवार में सुख समृद्धि व शांति भंग होता है। यही नहीं, परिवार का कोई ना कोई सदस्य भी होता है। इसका कारण है घर के उत्तर दिशा में शौचालय का नवनिर्माण। जिस घर में उत्तर दिशा में शौचालय का निर्माण होगा वह घर सदैव बिखरता हुआ चला जाएगा। उस घर में रहने वाले सदस्य अक्सर जो है एक दूसरे को देख के खिन्न भी न रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, रोगों से पीड़ित रहेंगे, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वह भय उत्पन्न करने वाले रोगों से ग्रस्त रहेंगे। तो ऐसे में इससे बचा कैसे जाए? जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर दिशा के जो स्वामी होते हैं वह भगवान कुबेर माने गए, और जब इतने शुद्ध और पवित्र स्थान पे अगर आप शौचालय का निर्माण करते हैं या मल मूत्र का त्याग करते हैं तो निश्चय ही कुछ का दुष्परिणाम आपको और आपके परिवार को भोगना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप अनेकों प्रकार के ऋण बाधा, पारिवारिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा भोगना पड़ता है। तो ऐसे में हमें जो है उससे बचाव के लिए उस शौचालय के शोक पीठ को उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ कर देना, यानी कि जो शौचालय का वह सीट है उसे हम उत्तर पश्चिम की तरफ करके इस दोष से बच सकते हैं। दूसरा, अगर यह भी ना कर पाए तो उस बाथरूम को शौचालय के जो है काले रंग से जो है पेंट कर दे, या उस शौचालय में काले रंग की टाइल्स लगा दे, पत्थर लगा दे, तो भी आप इस दोष से बच सकते हैं। तीसरा, इसके साथ और क्या कुछ करें, तो जो विशेष ध्यान देने वाली बात है वह रात्रि, वैसे तो उस शौचालय में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में एक ही शौचालय है और वह उत्तर दिशा में ही है और आप इन किसी भी नियमों को नहीं कर पा रहे हैं तो रात्रि वेला में 10 11 बजे से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक शौचालय का उपयोग ना करें। इस ऐसा करने से भी आप इस दोष से थोड़ा बच सकते हैं। और उस चौथा उपाय क्या है कि अगर आप घर के उत्तर दिशा में, यानी कि उस शौचालय के उत्तर दिशा के तरफ सफेद धातु के गमले में, सफेद रंग के गमले में अगर आप सफेद अलसी का पौधा लगाते हैं या उसमें नकली पुष्प लगा के रखते हैं तो इस उपाय के द्वारा भी आप इस दोष से बच सकते हैं और अपने परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री।